हेलो दोस्तों, क्या आप भी अपना फेसबुक पर एक पेज बनाना चाहते हैं, वो भी दोस्तों मोबाइल के साथ? तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको पूरा प्रोसेस सिखाया है कि कैसे आप एक बड़े आसान तरीके से अपना खुद का एक फेसबुक पेज बना सकती हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना एक फेसबुक पेज बना पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपने अपने मोबाइल में फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर की साइड में आपको आईडी का लोगो देखने को मिलता है, उसी पर दोस्तों आप सभी फ्रेंड ने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाती है पेजेस, इसी वाली ऑप्शन में दोस्तों आप सभी फ्रेंड ने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने पहले से ही बहुत सारे पेज अपने क्रिएट किए हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक और पेज यहाँ पर क्रिएट कर दिखाने वाला हूँ, जिससे दोस्तों आप भी अपना एक फेसबुक पेज बना सकें। तो इसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर क्रिएट की ऑप्शन देखने को मिल रही है, इसी ऑप्शन पर दोस्तों आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको गेट स्टार्टेड की ऑप्शन देखने को मिल रही है, इस पर दोस्तों आपने क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपने फेसबुक पेज का एक नेम रखना है, जो भी दोस्तों आपको यूनिक सा एक नेम अपना बना लेना है। जैसे यहाँ पर मैं अपने नाम से ही एक पेज बना लेता हूँ, Sony 23। इस तरह से दोस्तों हम एक कोई ना कोई इस तरह से नाम रख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना पेज का नेम अपने पसंद का नेम रखना। इसके बाद दोस्तों आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको एक कैटेगरी रखने के लिए बोलता है। जो भी दोस्तों आपकी कैटेगरी है, जिस टाइप की आप अपने पेज पर वीडियोज डालने वाले हो, उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर आपको कैटेगरी सर्च करनी है। जैसे मैं डिजिटल क्रिएटर हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही मैं डिजिटल भरता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजिटल क्रिएटर की ऑप्शन आ रही है, इसको आप इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपकी कैटेगरी होगी यहां पर दोस्तों आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे यहां पर क्रिएट की ऑप्शन देखने को मिल जाती है, क्रिएट वाली ऑप्शन पर दोस्तों आपने क्लिक कर देना है। यहां पर दोस्तों अब आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाता है। यहां पर अब आपको कुछ डिटेल्स डालनी होगी, तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको जर्नल में कुछ भी, जैसे आप अपना यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन डालते हैं, यहां पर जर्नल में कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं कॉमेडी वीडियोज डेली आपको देखने के लिए मिलेंगी। इस तरह से दोस्तों आप भी कुछ डाल सकते हो, अपना मतलब कि आपको डिस्क्रिप्शन डालना है कि आप किस तरह का यहाँ पर इस पेज पर काम करने वाले हो। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों एग्जांपल के लिए यहाँ पर कॉमेडी वीडियोस डाल दिया है। इसके बाद दोस्तों अगर आपके वेबसाइट का लिंक है तो यहाँ पर आप वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं, ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। एड्रेस में दोस्तों आप अपने यहाँ पर सिटी टाउन जो भी है उसको यहाँ पर मैंशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी डिटेल डालने के लिए ऑप्शन मिल जाती हैं। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा यहाँ पर ऑप्शन नहीं डाल रहा हूँ, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप दोस्तों अपनी जो मनपसंद आपकी दोस्तों यहाँ पर डिटेल जो आपको लगती है उसको आप डाल सकते हो। सारी डिटेल दोस्तों आपने यहाँ पर अपनी फिल नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों आपकी यहाँ से डिटेल भी लीक हो सकती है। तो इसके बाद दोस्तों नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रही है आवर्स। आवर्स में दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पर नो आवर्स अवेलेबल पर दोस्तों आप टिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका इस तरह से पेज बन चुका है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको नेम भी शो हो रहा है। यहाँ पर अगर दोस्तों आप अपना मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, नहीं तो यहाँ से आप स्किप कर सकती हैं। स्किप करने के बाद यहाँ से दोस्तों आपको कुछ फ्रेंड को इन्वाइट करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सी मोर सजेशन आ जाता है, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों अब आपके क्या करना है, यहाँ पर कुछ सेटिंग्स होती है, अगर आप इनको इनेबल करना चाहते हो तो ठीक है। जैसे यहाँ पर पेज का नोटिफिकेशन ऑन करना है तो यहाँ पर दोस्तों आप इस सेटिंग्स को ऑन करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डन आपको आ रहा है, इस पर दोस्तों आपने क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बाद दोस्तों आपका फेसबुक पेज यहाँ पर कंप्लीट बन चुका है। बहुत आसान स्टेप दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया। कोई भी पर्सन दोस्तों अपने मोबाइल से यहाँ पर अपना खुद का फेसबुक पेज यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। इस तरह से दोस्तों आप अपना खुद का एक पेज फेसबुक पेज बना सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने नाम दोस्तों अपना रखा था वही नाम यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों आप इसका डैशबोर्ड भी ओपन कर सकते हैं, मैं आपको डैशबोर्ड भी ओपन कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने क्या करना है, साइड में आपको 3 लाइन देखने को मिलती है, उस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड आपको देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो आपका क्राइटेरिया होता है, जैसे आपको मोनेटाइज करने के लिए 5,000 फॉलोअर, 60,000 मिनट व्यू चाहिए इन स्ट्रीम एड के
के लिए, एड्स और रील के लिए। यहाँ पर आप दोस्तों आप देख सकते हैं आपका सब कुछ यहाँ पर शो रहा है। इसके लिए दोस्तों आपको अपने फेसबुक पेज पर वीडियोज़ डालनी होगी, तभी दोस्तों आपका ये फेसबुक पेज ग्रो होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप बड़े आसान तरीके से अपना फेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी फ्रेंड को पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपने भी अपना खुद का एक फेसबुक पेज जरूर बना लिया होगा।